वादी मानसिकता के जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों को जो गणित समझते हैं जो आज भी छुआछूत से है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से भिंड में एससी एसटी ओबीसी पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को आजमाना चाहते हैं। और हमारा आपसे निवेदन है कि जब तक हम इन मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनसे जब तक हम निकल के रोडों पर नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। एक बार मैं आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस लड़ाई को आप रोडों पर निकलने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि चाहे तो जो पुलिस में जो जातिवादी जो व्यवस्था है, क्योंकि आप बरसों से देखते आ रहे हैं भिंड जिले की ये स्थिति है कि आज अगर अपराधों का अपन ग्राफ देख लें तो जिस तरह से जिस थाने में कहीं भी चले जाएं, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी पे जो अपराध है वो भरमार हुई पड़ी है। क्योंकि आजकल आप थानों में देख रहे होंगे कि जातिवादी मानसिकता के लोग जो बैठे हैं, पुलिस प्रशासन में ऐसी व्यवस्था है अगर यहाँ 50 थाने हैं तो यहाँ कम से कम 85% सामान्य वर्ग के लोग उस थाने पे जमे हुए बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस अपराध को जो बढ़ावा देते हैं वो प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो खुलकर बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधी की औकात नहीं है कि अपराध कर सके, कहीं ना कहीं उनको मंत्रियों का शरण है, विधायकों का शरण है, पुलिस प्रशासन में जो आला अधिकारी बैठे हैं उनको शरण है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद।